हेलो गाइस, सो स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग में। तो आज मैं डिस्कस करूँगा जावा का एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम देखेंगे। इन शॉर्ट हम बोले तो हम अपने सीपीयू के पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ढेर सारे कोर्स हैं या फिर ढेर सारे सीपीयूज हैं तो हम एक टाइम पे मतलब कई सारे टास्क पैरेलली कर सकते हैं थ्रेडिंग के यूज के थ्रू। तो जावा इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है क्योंकि ये सीपीयू एक्सटेंसिव टास्क को बहुत स्मूथली करता है। सो थ्रेडिंग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? तो थ्रेडिंग बेसिकली देयर आर फ्यू टॉपिक्स, हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। लाइक व्हाट इज थ्रेडिंग तो हो गया, देर आर टू वे टू इम्प्लीमेंट लाइक एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड इम्प्लीमेंटिंग रनेबल क्लास। तो ये हम देखते हैं कि कैसे हम थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दो वे है थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारे पास मेन क्लास है, एक काम करता हूँ मैं एक और क्लास डिफाइन करता हूँ। लाइक यहाँ पे डिफाइन नहीं, यहाँ पे नहीं, ये तो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई थ्रेड डॉट जावा। पहला वे होता है हम थ्रेड क्लास को ही एक्सटेंड करें। सो बिहाइंड द सीन ये थ्रेड क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और बिहाइंड द सीन्स थ्रेड क्लास हम देख सकते हैं आप इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक नेम प्रॉपर्टी का भी होता है जिससे हम थ्रेड के नेम को डिफाइन करेंगे। तो हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं इसका, जिससे हम थ्रेड को नेम दे सके अपने थ्रेड को, माई थ्रेड स्ट्रिंग नेम, और इसमें हम पास कर देंगे नेम। ओके, और उसके बाद इस थ्रेड के पास एक रन मेथड होता है, उसको हमें ओवरराइड करना है लाइक दिस। और इस रन मेथड में हम जो भी थ्रेड के पास काम करवाना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। मैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कराऊंगा द थ्रेड नेम इज डॉट गेट करेंट थ्रेड थ्रेड नेम गेट नेम। ऑल राइट, तो इससे हमें थ्रेड का नेम मिल जाएगा और थ्रेड की आईडी भी हम प्रिंट कर सकते हैं इसी तरह। थ्रेड आईडी इस, और थ्रेड की आईडी हमेशा यूनिक होती है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ तक तो सही है। अब हम इसको रन करेंगे कैसे? तो हम मेन थ्रेड में आते हैं और अपना मेन मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, नॉट दिस वन, मेथड डिफाइन करना है। ठीक है, इसमें हम अपने जो थ्रेड को डिफाइन किया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये थ्रेड है वन, थ्रेड वन लिख सकते हैं थ्रेड वन, और हम माई थ्रेड, और इसको नेम चाहिए थ्रेड वन। ये क्यों एरर दे रहा है? द थ्रेड इज अनडिफाइंड ऑफ टाइप मेन। ओके, सो अब क्या करना है? ये थ्रेड डिफाइन हो गया और हर एक थ्रेड में एक मेथड होता है स्टार्ट करने का। तो द थ्रेड वन डॉट
करेंगे तो ये थ्रेड को स्टार्ट कर देगा। तो गाइस लेट्स सी हाँ हाउ इट वर्क्स, रन करते हैं। तो ये रहा द थ्रेड नेम इज द थ्रेड वन एंड द थ्रेड आईडी इज दिस। थोड़ा सा इसको हम टिक करते हैं स्पेस के साथ, उसके बाद फिर से रन करते हैं। तो दिस वे एक मेथड हो ये इससे हो गया थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने का। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है रनेबल को, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना। इसको हम देते हैं माई रनेबल डॉट जावा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, इम्प्लीमेंट्स रनेबल। इसमें एक मेथड रन होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बेसिकली हमने जो यहाँ पे किया था ये प्रिंट हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। अब ये हमारा रनेबल हो गया इम्प्लीमेंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम फिर से थ्रेड थ्रेड टू देते हैं, इसको न्यू थ्रेड। सो इस रनेबल मैथ वे को हम मतलब यूज करने के लिए हमें एक थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएस करके उसमें हमें हमारा जो रनेबल है उसको पास करना होगा, लाइक न्यू माई रनेबल। और उसके बाद हम इस थ्रेड को नाम दे सकते हैं लाइक थ्रेड टू। सो अब इसको रन करते हैं गाइस, बट रन करने से पहले हमें थ्रेड टू को स्टार्ट करना होगा। थ्रेड टू डॉट स्टार्ट नॉट स्लीप स्टार्ट रन। तो आप देख सकते हो थ्रेड टू थ्रेड आईडी 2021। सो गाइस इस वे से हम दो थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब इनके बारे में डिफरेंसेस क्या है। सो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। क्या है, पहले वे में हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इस वे में हम कोई और भी क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन रनेबल में हम इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इस वे में हम कुछ और क्लास भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइक एक्सटेंड माई थ्रेड, ऐसे कर सकते हैं। ये गलत हो जाएगा बट लाइक दिस। तो भी हो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। बाकी बिहाइंड द सीन क्या होता है ना, थ्रेड भी इंटर इंप्लीमेंट करता है रनेबल को। आप देखोगे तो ये थ्रेड भी अनरनेबल को इंप्लीमेंट कर रहा है, इसलिए इसके पास रन मेथड आता है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाउ टू पॉज थ्रेड। किसी थ्रेड को पॉज कैसे करेंगे। सपोज हमारा थ्रेड वन है जो कि थ्रेड को इम्प्लीमेंट कर रहा है, सॉरी एक्सटेंड कर रहा है, इसको हम पॉज कैसे करेंगे। तो हर थ्रेड के पास एक प्रॉपर्टी होती है थ्रेड डॉट स्लीप, जिससे हम थ्रेड को पॉज कर सकते हैं। वो थ्रेड पॉज तो नहीं होगा लेकिन मतलब काइंड ऑफ क्या होता है ना, जब भी हम थ्रेड डॉट स्लीप करते हैं तो एग्जीक्यूशन जो है उस थ्रेड से चला जाता है और दूसरे रिसोर्स में सीपीयू पावर यूटिलाइज होता है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको करेंगे थ्रेड डॉट स्लीप, लेट अस से मिली सेकेंड में हम 1 मिली सेकेंड देते हैं, और ये हमेशा ट्रैक लैच ब्लॉक में इम्प्लीमेंट होना चाहिए क्योंकि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा इंटरप्शन के लिए। इंटरप्शन कैसे होता है हम बाद में देखेंगे गाइस, फिलहाल के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो थ्रेड ये हमारा स्लीप है, इसको हम साउट करते हैं डॉट डॉट से, या इसको हम दिखाते हैं कि हाँ ये प्रोसेस काम कर रहा है। सो मेन फंक्शन में जाएंगे, देखेंगे हम ये एग्जीक्यूट हो गया राइट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। ओके ये प्रिंट एलन नहीं था ना इसलिए, कोई नहीं, इसको एक और बार हम करते हैं ऐसे, और इसके बाद यहाँ हम देंगे प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देंगे एक एक्स्ट्रा डॉट और इसको रन करेंगे लाइक दिस गाइस। सो ये हमारा मेन थ्रेड हो गया। इसी तरह से हम इसको पॉज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रेड इंटरप्शन का।
सो थ्रेड इंटरप्शन क्या होता है? बेसिकली सपोज कुछ मेन थ्रेड है या फिर बहुत सारे थ्रेड काम कर रहे हैं और हमें किसी थ्रेड को इंटरप्ट करना है. इंटरप्ट इन दिस सेंस हमें उस थ्रेड जो भी कर रहा है उसको उसको स्टॉप करवा देना है. तो वो हम कैसे करेंगे? उसका भी सिंपल वे है कि जिस थ्रेड को हमें इंटरप्ट करना है उसमें एक इंटरप्ट कॉल मेथड होती है, उसको कॉल कर देने लाइक इंटरप्ट कॉल मेथड को हम इस तरह से कॉल कर देंगे तो ये फंक्शन जो है ना वो इंटरप्ट हो जाएगा. और एक और फंक्शन होता है हमारे पास जो कि स्टेट बताता है, जिस थ्रेड से हम कॉल किए हैं उसी थ्रेड में हम देख सकते हैं कि ये थ्रेड इंटरप्ट हुआ है. थ्रेड वन डॉट यहाँ पे है प्रॉपर्टी इज अलाइव जो कि हमें बताएगा कि थ्रेड अलाइव है या नहीं, इज इंटरप्टेड जो हमें बताएगा कि ये थ्रेड इंटरप्ट हो गया या नहीं. सो बिफोर इंटरप्शन ये फॉल्स रहेगा, थ्रेड इज इंटरप्टेड. ठीक है, और इसको हम सेम इसके बाद करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कि टू थ्रेड इंटरप्ट हुआ है. थ्रेड वन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट नहीं किए हैं, यहाँ पे चाहे तो हम प्रिंट कर सकते हैं लाइक थ्रेड इज इंटरप्टेड. ठीक है, लेट्स रन इट, कंसोल क्लियर करते हैं. सो यहाँ पे देखोगे थ्रेड स्टार्ट हुआ दोनों का दोनों और थ्रेड इंटरप्ट भी हुआ और ये फॉल्स और ये ट्रू हुआ, राइट? तो ये हो गया इंटरप्शन केस में. अब हम आगे बढ़ते हैं ज्वाइन के बारे में बात करते हैं. तो ज्वाइन क्या है? अगर हम चाहते हैं कि कोई थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो बिफोर डूइंग समथिंग एल्स, सपोज हम चाह रहे हैं कि हमारा मेन थ्रेड में एक थ्रेड पहले काम करे उसके बाद दूसरा थ्रेड काम करे, मतलब पहले एक पहला थ्रेड में हम कुछ काम करवाना चाह रहे हैं उसके बाद दूसरा काम करवाना चाह रहे हैं, तो इस केस में हम थ्रेड ज्वाइन यूज करते हैं. तो हम चाहें तो थ्रेड ज्वाइन कैसे यूज कर सकते हैं दिखाता हूँ. सिंपल है, जिस थ्रेड को हम चाह रहे हैं पहले कंप्लीट हो उसको हम ज्वाइन करेंगे लाइक हम वी वांट दैट दिस थ्रेड कंप्लीट फर्स्ट बिफोर डूइंग एनीथिंग. और ये हमेशा ट्राई क्लैच के ब्लॉक में होगा क्योंकि इसी इंटरप्शन को भी कैच कर सकता है. तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाउट, यहाँ पे लिखते हैं वेटिंग फॉर थ्रेड वन टू कंप्लीट. ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉरी थ्रेड वन इज कंप्लीटेड. ठीक है गाइस, अब हम इसको आउट करेंगे इंटरप्टेड. ओके लेट्स रन इट, क्या होता है देखते हैं. वेटिंग फॉर थ्रेड वन टू कंप्लीट, थ्रेड इज इंटरप्टेड. ओके ओके थ्रेड वन इज कंप्लीटेड. सो थ्रेड वन हमारा कंप्लीट हो गया, हमने थ्रेड वन को इंटरप्ट भी किया बट ये कंप्लीट हो गया क्योंकि ये एग्जिट हो गया. इसलिए अब हुआ यूं कि ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये एग्जीक्यूट हुआ. अगर हम थ्रेड वन में जाएं और थ्रेड डॉट स्लीप को थोड़ा टाइम और दें, जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं करीब करीब 6 सेकेंड. ओके अब इसको रन करते हैं गाइस, चलो देखते हैं क्या होता है. थ्रेड इज वन, अच्छा मैं इसको इंटरप्ट कर रहा हूँ ना तो ये वेट थोड़ी करेगा. तो सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, अब रन करता हूँ. सो ओके ओके नाउ अब 6 सेकेंड के लिए वेट होगा. वेटिंग फॉर थ्रेड वन टू कंप्लीट, थ्रेड टू स्टार्ट हो चुका है. और हम क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पे थ्रेड को स्टार्ट नहीं करके यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं
और यहाँ पे हम थ्रेड को स्टार्ट करते हैं। थ्रेड वन डॉट स्टार्ट, थ्रेड वन स्टार्ट किया। अब हम लिखते हैं, ये हो जाने के बाद हम लिखेंगे साउट, स्टार्टिंग थ्रेड टू, ठीक है, थ्रेड टू डॉट स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं, थ्रेड टू डॉट ज्वाइन, जो मेन थ्रेड है हमारा ना, वो वेट करेगा थ्रेड टू के कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद ये अपना काम करेगा। तो थ्रेड टू कंप्लीटेड। नाउ लेट्स रन इट एंड सी क्या होता है। सो थ्रेड वन इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, 6 सेकंड की वेट करेगा क्योंकि 6 सेकंड का टाइमर दिया है। वो देख सकते हो कि थ्रेड 20 है। फिर से स्टार्टिंग थ्रेड टू, और थ्रेड टू हमारा एग्जीक्यूट हो गया। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, और फिर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं रिलेटेड टू दिस थ्रेडिंग इन जावा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, बाय बाय।